हे गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल चंगा हूँ और चंगा होऊंगा भी, क्यों नहीं यार। आप लोग इतना प्यार जो दे रहे हो मेरे फर्स्ट ब्लॉग को, तो थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। गाइस, वैसे आपको आइडिया लग गया होगा कि आज का ब्लॉग किस टॉपिक पे होने वाला है, और अगर आइडिया नहीं लगा है इसका मतलब आपने मेरा जो लास्ट ब्लॉग है वो नहीं देखा है। तो जल्दी से ऊपर आई बटन पर जाइए और मेरा लास्ट ब्लॉग देख के आइए। फिर भी गाइस, मैं आपको बता देता हूँ कि आज का ब्लॉग जो होने वाला है वो होने वाला है मेरी बाइक वॉश कराने का। आप देख सकते हैं कितनी गंदी हो रही है ये बाइक, साथ ही साथ इसमें अपने चैनल के स्टिकर लगवाने का, फ्रंट साइड पे यहाँ पर और बैक साइड पे। और गाइस, वैसे मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात भी करनी है आप लोगों से, तो जल्दी से चलते हैं बाइक राइड पर, वहीं करेंगे सारी बात बिना टाइम वेस्ट करे। तो गाइस, मैंने अभी आपसे बोला था कि मेरे को आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, और वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि मेरे को आपके सजेशन चाहिए अपने अपकमिंग व्लॉग्स के लिए, कि नेक्स्ट जो मेरे व्लॉग आएंगे वो किस टॉपिक पर होने चाहिए, आप क्या देखना पसंद करेंगे। साथ ही साथ जो मेरा लास्ट व्लॉग है उसके अंदर मैं क्या और कर सकता था, क्या कमी रह गई है, तो ये सब आप मेरे को कमेंट करके बताइए। और गाइज, मैं ट्राई करूँगा कि जो जो सजेशन आप मुझे दोगे उनको मैं अपने आने वाले व्लॉग्स में पूरा करूँ, क्योंकि यार मैं व्लॉग्स बना रहा हूँ वो सिर्फ आपके लिए बना रहा हूँ, और आप जो देखना पसंद करेंगे वो मुझे बताइए और मैं ट्राई करूँगा कि वही चीज़ आप तक पहुँचे। गाइज़, मेरे को आपसे एक इम्पॉर्टेंट बात और करनी है, और वो है मेरी बाइक का नाम। इसका कुछ नाम होना चाहिए और इसमें भी मेरे को आपकी हेल्प चाहिए, तो इसका भी एक ब्लॉग बनाएंगे, पर वो बाद में बनाएंगे, अभी चलते हैं। गाइज, हम बाइक वॉश कराने के लिए पहुंच गए हैं, यहाँ हम कराएंगे बाइक वॉश। चलिए बाइक बंद कर देते हैं। ये देखिए गाइस, मेरी बाइक बिल्कुल वॉश हो गई है, बहुत अच्छे से चमचमा रही है, एकदम नई जैसी लग रही है बाइक। गाइस, एक बात तो है, बाइक वॉश होने के बाद में इतनी प्यारी लगती है कि पूछो मत। गाइस, एक काम तो हमारा हो गया है वॉश कराने का बाइक, अब जल्दी से चलते हैं स्टिकर लगवाने के लिए। ये देखिए गाइस, सूरज मामा बिल्कुल सर पे हैं हमारे। अभी मैंने वाइज़र खोला है, और जब मैंने वाइज़र लगाया हुआ था तो इतनी तेज़ लाइट आ रही थी सूरज मामा की कि मेरे को कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। बिल्कुल स्ट्रेट हैं, एकदम स्ट्रेट, जैसे सिर्फ हमारे लिए ही निकले हैं ये, हमें ही रोशनी देनी है इनको। बट कोई नहीं, हम यहाँ से राइड ले लेंगे तो ये परेशान नहीं करेंगे हमें। इनको देखिए गाइस, अभी तक ग्रीन हुई नहीं है और ये निकल दिए हैं, अब ग्रीन हुई है। पता नहीं क्या जल्दी रहती है इन लोगों को, दो तीन सेकंड में अपना क्या ही काम कर लेंगे ये, और क्या ही काम छूट जाएगा इनका, समझ नहीं आता। कोई नहीं, जाने दो इनको, जाइए भाई, करिए अपना काम। और अब बाइक के कुछ मज़े ले लिए जाएं। गाइस, खाली रोड पर बाइक भगाने का मज़ा ही कुछ और है। ये रही इनकी शॉप, तो हम यहाँ बाइक लगा लेंगे। A few moments later. ये देखिए गाइस, अपने चैनल का स्टिकर लग चुका है बाइक पे, फ्रंट साइड में भी, ये देखिए बहुत सही लग रहा है ये, और बैक साइड में भी, ये देखिए। अब चलते हुए भी हमारा चैनल का प्रमोशन हो जाएगा,
बहुत अच्छी चीज़ है ये। तो अब चलते हैं बाइक पर। तो गाइज हमने दोनों काम करा लिए हैं, बाइक वॉश भी करा ली है और स्टिकर भी लगवा लिया है। अब हम जाएंगे घर और घर पहुंच के मुझे करनी है एडिटिंग, आप तक जल्दी से जल्दी ये व्लॉग पहुंचाना है। और गाइज आपको भी पता होगा कि आपको क्या करना है, नहीं पता चलिए मैं ही बता देता हूँ, आपको कॉमेंट करके बताना है कि ये व्लॉग आपको कैसा लगा। आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा ही लगा होगा, और अच्छा लगा है तो यार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट धमाकेदार व्लॉग में, टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी, चलिए बाय।